गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो आपका अगला पोएम है दीवानों की हस्ती, इस पोएम को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। हर एक कविता हो, कोई भी कहानी हो, उसको पढ़ने के उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग कहते हैं, और उसका एक मेन कॉन्सेप्ट, मूल भाव भी उस कविता का कुछ होता है। तो इस दीवानों की हस्ती जो चैप्टर है, इसका मुख्य अगर हम लोग देखते हैं कि किन बिंदुओं पर कवि ने हमें कहा है, या फिर मुख्य जो मूल भाव है उसको अगर आप समझ लेते हैं तो कविता को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस कविता को अगर हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी चीज को पढ़ने का उद्देश्य। इस कविता में भी उद्देश्य अगर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, तो शब्द अर्थ हम लोग समझ सकेंगे, कविता को हम लोग पढ़ सकेंगे, और क्या होगा, नई सोच का विकास होगा, एक दीवाने के प्रति हमारा एक नया सोच हमारा विकास होगा। उसी तरह दूसरा अगर हम लोग देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट अगर इस कविता का हम लोग देखें, तो कवि चाहता है कि संसार में हमें सभी को प्रेम बांटना चाहिए, हर किसी को खुश रखना चाहिए, इस संसार में हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से, इस कविता को जो इंट्रोडक्शन के रूप में, इसको आज हम जानते हैं कि कविता में क्या है, दूसरे दिन दूसरे क्लास में हम लोग कविता से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है और कविता का जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूंगा। आज आप अगर इस चीज को समझ लेते हैं तो कविता को आसानी से समझ सकेंगे। कविता में मुख्य रूप से एक दीवाना, एक ही शब्द है दीवाना, और इस शब्द के ऊपर ही ये कविता है, ठीक है। कवि क्या कहता है, खुद को दीवाना कहता है, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती, कवि कहता है, आज यहां कल वहां चले, अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि वह दीवाना है, अर्थात हमेशा खुश रहने वाला, लोगों को खुशी बांटने वाला व्यक्ति है। वो कहता है वो आज यहां है कल वहां है, वो अपने लिए कोई धन संपत्ति घर दौलत इकट्ठा नहीं करता, वो सभी के लिए केवल प्यार मांगता है, सभी को केवल वह खुश रखता है। इसी चीज को कवि इस कविता के माध्यम से कहता है। दीवानों की हस्ती अर्थात अस्तित्व, आइडेंटिटी, अस्तित्व को लेकर कहता है, घमंड की भावना उसमें नहीं है, वो ये नहीं कहता है कि मैं बड़ा इंसान हूं, मैं ये हूं, वो कहता है कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, हम आज यहां हैं तो कल किसी दूसरे स्थान पर हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रेम बांटना, लोगों को खुश रखना। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, हमें दूसरों को केवल खुश रखना चाहिए, किसी को हमें दुख नहीं देना चाहिए। इस नश्वर संसार में, नश्वर का अर्थ होता है एक ना एक दिन इस संसार में हम आए हैं तो हमें जाना होगा, और ये संसार भी नश्वर है, हमें नष्ट होना है, तो इस नश्वर संसार में हमें सभी को प्रेम बांटना चाहिए, सभी को खुश रखना चाहिए। जो पोएम का मेन कॉन्सेप्ट है और जो है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप कॉपी पर लिख लेंगे, मैं आपको दूंगा, और पोएम से संबंधित जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है, शब्द अर्थ है, वो मैं आपको दूंगा, इसे आप अपने कॉपी पर लिखिए। और अगली कक्षा में जब हमारा अगला कक्षा जब भी हम नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा होगा, उस क्लास में हम क्या करेंगे, जो पोएम का एक्सप्लेनेशन है उसको लाइन टू लाइन हम लोग समझेंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम अपने कॉपी पर लिखेंगे। तो पोएम में मुख्य रूप से कवि खुद को दीवाना कहता है, और कवि क्या कहता है, इस संसार में हमें सबको प्रेम बांटना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, इस संसार में हमें स्वार्थ की भावना लेकर नहीं चलना चाहिए। तो इसी के ऊपर ये कविता है, इसको हम लोग लाइन टू लाइन अगली कक्षा में समझेंगे। थैंक यू।